वेलकम गाइस, बाइंडी ट्यूब प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने M2R5 के ओ लेवल के वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पेपर में हम लोगों ने देखा था कि HTML के फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाए उनके टैग्स के बारे में देखा था। तो गाइज, हम लोग उसको आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके उसको सीखते हैं ताकि सारे डाउट्स को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एडिटर को ओपन करना है। तो चलिए हम लोग एडिटर को ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे एक नया एडिटर किया है, सबलाइम टेक्स्ट। उस दिन हमने आपको बताया था एडिटर वाले चैप्टर में, आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो जो पेज हमने बना रखा है गाइस यहाँ पे, उस दिन हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, उसी पेज को हमने ओपन कर लिया है अपने एडिटर में। अब गाइस, हम लोग यहाँ पे वो सारे टैग अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कौन कौन सा टैग पढ़ा है उसको हम एक बार आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस, हम लोगों ने प्रैक्टिकल पार्ट में इंसर्ट टैग तक देख लिया है। अब अगला जो टैग है वो है ब्लॉक कॉट टैग। चलिए गाइज, हम लोग इसको देखते हैं। अगर हमें, हमने यहाँ पे लिखा है ना बाइंड्री टेक एजुकेशन सेंटर, हम इसी में फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। इसके पहले हमने टैग लगाया और यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इस टैग को हम क्या कर दें, क्लोज कर दें। अब हम इसको सेव करते हैं और अपने पेज को ओपन करके रिफ्रेश करके देखा जाए कि क्या परिवर्तन हुए हैं। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि जो चीज़ हमने ब्लॉक कार्ट में डाली थी उसको अलग स्पेस मिल गया, ठीक। आपका यही साइट टैग करता था, जो साइट टैग हमने यूज़ किया था, आप लोगों ने लास्ट में देखा था कि हमने यहाँ पे साइट टैग यूज़ किया था वर्क हार्ड, और उसने क्या किया, तिरछा कर दिया था, और इसने क्या कर दिया, अलग से एक ब्लॉक बना दिया, ठीक। यहाँ पे देखिए, वर्ड को तिरछा किया है और यहाँ पे इसने क्या किया, एक अलग से ब्लॉक बना दिया कोटेशन, ठीक गाइस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्यू टैग की ओर, ठीक। अब क्यू टैग क्या होता है, अगर हम जहाँ पे बी लिखा हुआ है यहाँ पे हमने क्यू यूज़ कर दिया और क्यू को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। गाइस, हमने फॉर्मेटिंग में वहाँ पे सारे सिंटैक्स दे रखे हैं, ठीक। अब सेव करते हैं और उसके बाद हम लोग ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं, F5 किया। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमने क्यू टैग लगाया उसको उसने क्या कर दिया, डबल कॉट में कर दिया, ठीक। अब अगर किसी के बात को लिखना है तो आप उसके पहले आप क्या कर सकते हो, उसको डबल कॉट या उसमें क्लोज कर सकते, ठीक। जैसे मोदी जी ने कहा कि स्टे इन योर होम, इसको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया हुआ है ना, इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, क्यू टैग। और क्यू को क्या कर देते हैं, क्लोज।
ये आ गया ना स्टे इन योर होम, किसमें डबल कोटेशन। तो ये हो गया आपका क्यू टैग। अब गाइज हम लोग नेक्स्ट टैग की ओर बढ़ते हैं, अंडरलाइन। ठीक, अब अंडरलाइन अगर हमें किसी कंटेंट को अंडरलाइन करना है, क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसी को हमने क्या किया है, इटैलिक किया है, चलो इसको अंडरलाइन भी हम लोग कर देते हैं। तो हमने यू टैग लगाया और यू टैग को क्या कर दें, क्लोज कर दें, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5 रिफ्रेश, सॉरी F5 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यू आर मेकिंग योर बेस इन HTML, इसको क्या कर दिया उसने, अंडरलाइन कर दिया। तो गाइज यू टैग क्या करता है, कंटेंट के नीचे अंडरलाइन। ठीक, अगला है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग क्या होता है गाइज, एड्रेस टैग आपका जो वेबसाइट या जो ऑथर है जिसके बारे में अगर कोई डिटेल देनी है, कोई बुक पब्लिश हो रही है या कोई साइट पे डाल रहा है, तो उसके एड्रेस के लिए होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक अलग से बना लेते हैं। हमने एड्रेस टैग यूज़ किया, हमने यहाँ पे लिखा बाइनरी, एजुकेशन सेंटर। अब यहाँ पे हमने एड्रेस में डाला रामबाग प्रयागराज। ठीक है, अब ये एड्रेस आपके उस पर शो होगा। हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, अल्ट टैप करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं और F5 से इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इसको ना इटैलिक किया था, बल्कि इसने क्या कर दिया, उस एड्रेस को अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया। गाइज यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हुई है, यहाँ पे एक साथ उसने दे रखा है। तो गाइज ये होता है आपका एड्रेस टैग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टैग की ओर पढ़ते हैं, और वो है डिफिनीशन टैग। डिफिनीशन टैग क्या होता है कि अगर हम किसी कंटेंट को क्या बनाना चाहें, डिफिनीशन बनाना चाहें, जैसे मोदी से, अब इनकी जगह के आगे हम DFN टैग को क्या कर दें, लगा दें, और यहाँ पे डिफिनीशन को क्लोज कर दें। ठीक है, सिंटैक्स हमने दे रखा है, हम सिर्फ यहीं पे परिवर्तन करके आपको दिखा रहे हैं, अलग से पेज नहीं बना रहे हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम F5 रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है मोदी से, इसने क्या कर दिया, टैलिक कर दिया, अलग कर दिया उसको। जो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा था, हमने कैसे सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसने क्या कर दिया, उसको अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया, डिफिनीशन टैग। ठीक गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट टैग की ओर चलते हैं। जो अगला टैग है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। चलिए सब स्क्रिप्ट क्या होता है और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है इसको देख लें। अभी हमने
लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल बताया था कि हमें H2O लिखना है, तो अगर हम नॉर्मल लिखें H2O और इसको अगर हम सेव करके दिखाएं, तो जो आपका कंटेंट आएगा कुछ इस तरह के आए, जो कि गलत है, क्योंकि टू क्या होता है, नीचे होता है। तो अगर आपको यूज़ करना है टू को नीचे करना है, तो इसके पहले आपको क्या यूज़ करना है, सब यूज़ करना है और सबको क्या कर दो, क्लोज कर दो, सब क्लोज हो गया। अब इसको सेव करके आप देखो, अब ये जो है आपका टू नीचे आ जाए H2O। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे टू क्या हुआ, नीचे आ गया। अगर इसी तरह आपको स्क्वायर लिखना है तो भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको केवल सुपर लिखना है और यहाँ पे आपको सुपर को क्या करना है, क्लोज करना है। अब टू कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। H2O मत लिख देना इस तरह से गाइज, ये तो हमने सिर्फ सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को समझाने के लिए किया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैग की ओर। अगला टैग है आपका स्मॉल टैग एंड बिग टैग। चलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्मॉल टैग के लिए, तो हम यहाँ पे स्मॉल लगाते हैं और इसके पहले हम लिखते हैं बी। सिर्फ हम बी को इस्तेमाल करना चाहते हैं बाइनरी टैग, ठीक गाइस। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल नहीं किया, हमने कहा था कुछ टैग जो होते हैं आपके वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बिग और स्मॉल ये दोनों भी ऐसे टैग हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं HTML5 में, ठीक गाइस। अगर आपको ये चेक करना है आप ओल्ड वर्जन इस्तेमाल कीजिए और ओल्ड वर्जन में आपको स्मॉल और बिग करके वो दिखाएगा, ठीक। लेकिन आपको किस तरह से कंटेंट को स्मॉल या बिग करना है वो आपको यहाँ से पता चले, ठीक। इसी तरह आप इसको स्मॉल की जगह क्या कर सकते हो, बिग कर सकते हो, ठीक। चलिए हम लोग इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे बी देखिए बड़ा हो गया, बाकी छोटा, ठीक। तो ये तो सपोर्ट कर लिया, कुछ ही टैग होते हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए, ठीक। अगर आपको किसी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है तो आप बिग टैग लगाइए, और या तो गाइस हम लोग इसको CSS के या उसमें HTML5 में हम एक लाइन में लिख के उस साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं साइज देके, तो ये बिग और स्मॉल यूज़ नहीं होता था, होता है। लेकिन आपको एज अ जानकारी के लिए हमने ये टैग बता रखा है, ठीक गाइस। तो यहाँ से आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग लगभग ख़त्म हो जाते हैं, और इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के टैग को देखेंगे, ठीक। जो अभी ये तितर बितर चल रहा है, थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाते हैं। तो अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर्स के को ध्यान में रखना है, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले हेडिंग टैग देखते हैं, ठीक।
हेडिंग टैग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको H1 टैग, H टैग लगाना है, जिसकी क्या होती है, सीरीज चलती है। ठीक, तो चलिए हम H1 ले लेते हैं, सबसे बड़ी हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटेंट लिखना है। हमने लिखा बाइनरी टैग, ठीक, और H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो गाइज H1 क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं ब्राउज़र पे और F5 से रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए बाइनरी टैग आपका क्या हो गया, हेडिंग बन गई। ठीक, हमने गाइज आपको बताया था कि आप लोग कभी भी H1 से लेके H6 तक एक ही लाइन में, एक ही टैग के अंदर मत डालना, अलग अलग आपको डालना होगा। अलग अलग देखते हैं कि कैसे क्या कन्वर्ट होता है, तो थोड़ा सा आलस से दिखाऊंगा, आप लोग मत दिखाइएगा। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, इधर भी चेंज कर लिया जाए। सेव करते हैं और क्या करते हैं, अल्ट टैब से ब्राउजर को रिफ्रेश कर, ये देखिएगा बाइनरी टैग, पहले हेडिंग आपकी क्या हो गई, बड़ी थी H1 से, फिर उससे छोटी लिखनी हुई H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, H6। गाइज ये अपने रिक्वायरमेंट, अपने पेज के हिसाब से आप कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका H1 से ही सीरीज चले। अगर आपको इसको उल्टा करके भी देखना है तो आप इसको उल्टा कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे H6 को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट, आप लोग कंटेंट को लिखिएगा गाइस, कॉपी पेस्ट नहीं, जितना आप लिखोगे उतना ही आपको याद होंगे टैग। चलिए इसको सेव करते हैं और टैब से आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए गाइस ये आपका रिवर्स में हो गया, H6 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये क्या है, आपका हेडिंग टैग है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हेडिंग को बना सकते हो। अगला है ड्यू टैग। अब गाइस ड्यू टैग क्या होता है, ड्यू टैग आपका ब्लॉक क्रिएट करता है या आपकी स्ट्रिंग को डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसी हेडिंग में के पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, ड्यू। और ड्यू को क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, H1 के पास ही क्लोज करते हैं। अब गाइस इसको सेव करके हम लोग अपने
ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ आपको कोई परिवर्तन दिखा नहीं। क्यों? आप सोच रहे होंगे सर भी क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ दिखा ही नहीं, व्यू क्या कर रहा। गाइस इसमें थोड़ा सा आपको इसकी स्टाइलिंग करनी होगी, तब जाके ये आपको दिखेगा। जैसे बॉर्डर स्टाइल आप दे सकते हो, ये सीएसएस में हम आपको पढ़ाएंगे। उसने ब्लॉग तो बना रखा है लेकिन वो अभी हमको शो नहीं हो रहा है। चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। हम एक यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर, प्रॉपर्टी होती है अब यहाँ पे हमने दे दिया क्या ब्लू, ठीक, कॉलन लगाया। मान लीजिए हमें और क्या देना है, बॉर्डर देना है, बॉर्डर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम 3 पिक्सल कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं और रेड कलर का कर देते हैं, ठीक। अब इसको हम सेव कर देते हैं, वापस ब्राउज़र पे चलते हैं। तो ये रहा आपका वो ब्लॉग जो ड्यू ने क्रिएट किया। गाइस उसने ब्लॉग क्रिएट कर रखा था लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो आपको ये स्टाइलिंग करनी होगी। जब आप स्टाइलिंग करोगे, इसको हम आपको सीएसएस में सिखाएंगे, तो स्टाइलिंग करने से क्या होता है कि चीज़ें हमारी सामने आ जाती। अब देखिए हमने ड्यू का इस्तेमाल किया था। इस तरह से आप डिवीज़न को क्या कर सकते हो, बना सकते हो किसी के उस पर। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ड्यू टैग यूज़ करना है। हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और ये कंटेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्यू टैग डालते हैं। इस बार इसका जो कलर है वो हम लाइट ग्रीन कर देते हैं, ठीक। बॉर्डर को हम लोग यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, ठीक। अब ड्यू को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे क्लोज हो गया। अल्ट टैब। गाइस ये सारी चीज़ें आपको खुद से करके देखनी होंगी। अब देखिए जो आपका ये वाला पोर्शन था H6 से लेके H1 तक, इसको हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक डिसाइड कर। इस ब्लॉक को भी आप मैनेज कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये दिखता है, चलिए हम इसको छोटा बड़ा करके भी दिखा देते हैं। जैसे इसकी विड्थ को कम करना है तो हम यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट लेंगे, हमेशा वो सेमी कॉलन के अंदर ही होगा विड्थ। यहाँ पे इसको दे देते हैं हम 30%। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए इसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई, 30% हो गई ना। तो इस तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। हम लोग ऐसे और सारे एट्रीब्यूट को देखेंगे सीएसएस में। फिलहाल आप लोग उसको देखना करके, अगर नहीं समझ में आता है तो डरना मत, आगे तो हम पढ़ाएंगे ही आप लोगों को। ड्यू टैग हो गया। अब स्पैन टैग की बात करते हैं। स्पैन टैग क्या होता है, स्पैन टैग आपका जो होता है वो किसी टेक्स्ट, जो एग्जैक्ट टेक्स्ट को है, हम क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ठीक।
अब यहाँ पे हमने क्या किया कि स्पैन टैग यूज़ किया ना, स्पैन टैग को क्या कर दें यहाँ पे क्लोज कर दें। अब इसको हम लोग वापस चलते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं। अब आप कहेंगे सर कुछ नहीं हुआ स्पैन टैग से ना, लेकिन जैसे आपने ड्यू की स्टाइलिंग की है उसी तरह इसकी भी आपको स्टाइलिंग करनी होगी। जब आप स्टाइलिंग करेंगे तब जाके ये आपका वर्क करेगा। तो चलिए देख लेते हैं, तो स्टाइल इसको दे देते हैं हम लोग स्टाइल। कलर, कलर यूज हो गया ना आपका बाइनरी टेक रेड। तो उसने क्या किया, उस इंजेक्ट टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया, एक स्टाइल दे दिया, कलर दे दिया। ठीक, तो ये होता है आपका स्पैन टैग। गाइस आगे चलें, पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग क्या होता है भाई, हमने आपको बताया कि अगर आपको कोई पैराग्राफ इंसर्ट कराना है तो वो आप कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हमें मान लीजिए कि इस ड्यू में ही हमें यूज़ करना है पैराग्राफ टैग। पी टैग यूज़ कर लेते हैं, पी क्लोज है। अब पैराग्राफ हमें चाहिए तो पैराग्राफ के लिए मान लीजिए कि हम चलो विकिपीडिया खोलते हैं। अब ये पैराग्राफ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। गाइज आपको जो भी अपने साइट के बारे में लिखना है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने अपने काम को आसान बनाने के लिए किया। अब हम इसको सेव करते हैं और Alt Tab से चलते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ को रखा था वो पैराग्राफ आपके सामने आ गया। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, पैराग्राफ होता है। ठीक, इसको भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप यहाँ से मैनेज कर लीजिए, चाहे आप इसको क्या कर लीजिए कि अलाइन वगैरह भी दे सकते हैं। आगे हम एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे तो हाँ हम आपको दिखाएंगे। चलिए एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, अलाइन इक्वल टू गाइस। अब ये आपका सेंटर की स्पेलिंग गलत थी, उसको मैंने सही कर दी। अब ये आपका क्या हो गया, मिडिल में हो गया। ठीक, आप लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको
लेफ्ट से लिखना है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको राइट से लिखना है तो राइट से कर सकते हैं। ठीक, ये आपका राइट इंडेंट। तो इस तरह से आप पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक गाइस, अगला है आपका बी आर टैग। गाइस बी आर टैग हम लोग यूज़ करते हैं, तो बी आर टैग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी जितना भी आपके टेक्स्ट हैं इधर उधर घूम रहे थे उनको हम लोग मैनेज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हाय आई एम आशीष मिश्रा, उसके बाद उसने क्या किया था, नहीं अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बी आर यूज़ करते हैं, बी आर यूज़ किया। ठीक, अब हमें मान लीजिए कहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपका क्या है अलग है, हम फिर से क्या करेंगे बी आर लगा देंगे। इस बार हमने इसको सेल्फ क्लोज कर दिया है। अब जी जहाँ भी आपको टेक्स्ट को क्या करना है अलग अलग करना है वहाँ पे आप केवल बी आर लगाते जाइए। ठीक, यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। ये एड्रेस में लगा देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये देखिए हाय आई एम आशीष मिश्रा, उसके बाद हटा, फिर बोल्ड था फॉर्मेटिंग बोल्ड टेक्स्ट तो बोल्ड कर दिया, फिर हर लाइन को उसने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। ठीक, तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बी आर टैग यूज़ करते हैं। ठीक गाइस, अब अगला आता है एचआर टैग। एचआर टैग क्या होता है भाई, इट क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, इस पैराग्राफ को हम लोग क्या कर दें, थोड़ा सा कमेंट बना दें। अभी रहने देते हैं। चलिए गाइस, हम लोग इसको क्या करते हैं एचआर टैग यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ठीक, अब हमने क्या लगाया एचआर टैग लगाया यूज़ किया, वापस चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। यह इसने क्या किया, ऑटोमेटिक आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दें। ठीक, इसके भी एट्रीब्यूट होते हैं, हम लोग देखेंगे आगे एट्रीब्यूट्स बताएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक आपको एट्रीब्यूट लगा देते हैं कलर, अब ब्लू में पिंक कुछ कम दिखा, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए ये।
ठीक इसी तरह इसके हाइट और विड्थ को भी मैनेज, आगे हम एट्रीब्यूट्स को बताएंगे। तो ये रहा आपका एच आर टैग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्री टैग की। प्री टैग क्या होता है? ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। चलिए, हमने इसको यहाँ से एड्रेस को हटाया, ठीक, या एड्रेस को रहने देते हैं। इसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? प्री लगा देते हैं। प्री टैग यूज कर लिया। अब यहाँ से आप बी आर को क्या कर दो? हटा दो। इसको हम क्या करते हैं? बीच में कर देते हैं। यहाँ पे हमने प्री को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। सेव करते हैं, अल्ट टैब, रिफ्रेश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ। देखिए गाइस, हमने जो प्री टैग यूज़ किया था, बी आर को हटा दिया था, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसको चेंज कर दिया। बी आर को से कोई मतलब, जो टेक्स्ट फॉर्मेट हमने वहाँ पे रखा था उसी फॉर्मेट को उसने क्या कर दिया? हमारे सामने, ठीक। बाइंडी टेक यहाँ से लिया कार्नर से, इसको हमने बीच में रखा था इसलिए बीच में आया। तो ये होता है आपका प्री टैग, ठीक। अगला गाइज है फॉन्ट टैग। अब यहाँ पे हम फॉन्ट लिखेंगे, सॉरी, अब हमने मान लो यहाँ पे क्या लिखा? बाइनरी टेक। अब हमने ये लिख दिया, सेव करते हैं, अल्ट टैब, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये बाइनरी टेक लिखा तो, लेकिन यहाँ पे गाइस कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। चलिए, परिवर्तन भी आपको दिखेगा। तो परिवर्तन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉन्ट। फॉन्ट में हम पहले देते हैं फॉन्ट फेस। फेस एट्रीब्यूट यूज़ किए। अब फेस एट्रीब्यूट में आपको फॉन्ट फेस नेम देना होता है। अब फॉन्ट फेस नेम अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो भी पता करवा देते हैं आपको। आप अपना नोट पैड ओपन कीजिए। फॉर्मेट में आइए, फॉन्ट में आइए। ये सारे आपको क्या दिए हैं? फॉन्ट नेम दिए हैं। यहाँ से कोई भी आप फॉन्ट नेम चूज़ कर सकते हो। चलिए हम इसी को चूज़ कर लेते हैं और इसके बाद अपने एडिटर पे चलते हैं और यहाँ पे हमने दे, ठीक, कलर भी दे देते हैं। कलर, कलर में हम यहाँ पे दे देते हैं ब्लू। ब्लू हो गया। साइज भी आप दे सकते हो। साइज इसकी 1 से लेकर 7 तक होती है, जितनी बड़ी आपको साइज रखनी है। मान लीजिए हम 7 दे देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं, अल्ट टैब। लेकिन हमने कहा है कि HTML5 में यह बिल्कुल बंद हो चुका है,
ये ले ठीक। अब जो बाइंडिंग टिक हमने यहाँ पे लिखा, सेम यही चीज़ आप जो फॉन्ट यूज़ करते हैं वो आपके पैराग्राफ में टेक्स्ट का कलर हो जाता है ठीक। उस टेक्स्ट के कलर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो ठीक। स्टाइल में आपको बस टेक्स्ट कलर देना है, वो कलर आपका मैनेज होगा ठीक है। तो गाइज ये था आपका फॉन्ट ठीक। अब फॉन्ट के बाद आज का जो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर का ठीक, जो हमारे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर के टैग थे वो हमने आपको डिफाइन कर दिया है। तो गाइज आप लोग इसको प्रैक्टिकल कीजिए ध्यानपूर्वक। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर ऊपर ही दिया जा चुका है जिसको आप वीडियो में देखते हो, और वो नंबर आपको हम आपको दिखा देते हैं, 9140722802। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, हमने आपको एक एक चीज़ डिफाइन करके आपको दी हुई है। अगर आपको विज़िट करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। सारे लिंक हमने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, सारे नेम दे रखे हैं कि आपको कैसे सर्च करना है। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।